हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्यून। शॉर्ट रीडिंग है, टॉपिक है शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। तीन पाइल्स हैं, ए बी सी, ऊपर से नीचे, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। इंटुइटिवली सोच लीजिए, पॉज कर लो वीडियो अगर टाइम चाहिए थोड़ा सा सोचने के लिए। चलिए देखते हैं, अगर पाइल ए पिक किया है क्या कार्ड्स हैं आपके। ओके भाई, काफी एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफ हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशनली अटैचमेंट तो है इंसान के लिए, बट देन आपको वापस से ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। और याने तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और आपने उस पर जब क्लेरिफिकेशन मांगा, आपने एकदम से डाउट नहीं किया उनपे, आपने उनको जस्टिफिकेशन मांगा कि चलो सफाई दो या क्लियर करो चीज को अगर ऐसा नहीं है, तो वो आपको एक सॉलिड रिप्लाई ही नहीं दे पा रहे या आपको वो चीज इतनी कन्विंसिंग ही नहीं लग रही। मतलब दे आर नॉट इवन टेकिंग एफर्ट कि आपको सही से एक्सप्लेन कर पाए या मैं निर्दोष हूं या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज समझो, ये भी ठीक से नहीं बोल पा रहे वो, तो आप डिससैटिस्फाइड हो सिचुएशन से। और अगर आप इतने डिससैटिस्फाइड हो और वो बेसिक चीज भी अगर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, देन मूव ऑन करना ही ठीक है। सो यू शुड नॉट स्टे, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। इफ यू वॉन्ट टू स्टे यू कैन स्टे, डेफिनेटली आप अपने लाइफ के मेजर डिसीजन लेते हैं, बट एनर्जी ऐसी है कि आप रहोगे भी तो यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट हिम और हर, सो यू शुड मूव ऑन। अगर पाइल बी चूज किया है, आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके अभी तो मतलब ऐसा है कि हर चीज आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट ही चल रहा है, हर सिचुएशन, हर हालात। मतलब अगर मिलते भी है, सोचते हैं आज झगड़ा नहीं करेंगे, हम कंट्रोल में रहेंगे अपने इमोशंस के, बट ऐसा कुछ हो जाता है या यू नो लाइक बार बार झगड़ा ही हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही हो रही है या जो भी चीज प्लान कर रहे हैं वो सफल ही नहीं हो रहा, बार बार डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, तो वो चीज बहुत फ्रस्ट्रेट और इरिटेट कर रही है। अभी के लिए मुझे लग रहा है जिसने भी पाइल बी चूज किया है, आप लोग यू नो एक ब्रेक ले रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मूव ऑन कर लो, मुझे लग रहा है कि अभी के लिए बट आप लोग एक ब्रेक लेंगे तो बेहतर रहेगा और उसके बाद वापस से नए सिरे से चीजें स्टार्ट हो सकती है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है आप लोगों की। बट फॉर नाउ आई वुड से टेक अ ब्रेक, कैन से मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब दूसरा पार्टनर ढूंढना ही नहीं होता है, बेसिकली ब्रेक लेने को भी हम मूव ऑन कह सकते हैं। अगर पाइल सी चूज किया है, वाओ, यू डेफिनेटली शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि लवर्स का ही कार्ड आ गया है एकदम, मतलब लव इज इन द एयर एंड शादी का देखते हैं आपके साथ, लिटरली शादी के बारे में सोचते हैं आपके साथ ये इंसान, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। एंड अगर ढाई तीन साल हो चुके हैं आप लोगों को डेट करते हुए, और अगर आप मैरिज, आपके हिसाब से जो मैरिज का सही उम्र रहता है, जो भी आपको लगता है आप उस एज में हो, तो बहुत जल्दी ये इंसान का प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। क्योंकि काफी लोग ये भी चिंता कर रहे होंगे कि कब सॉलिड कमिटमेंट देंगे, मतलब लाइक डेट तो कर ही रहे, लाइक मूव इन करने के लिए या एंगेजमेंट करने के लिए या शादी के लिए कब बात करेंगे, घर पे आएंगे, ये सोच रहे हो, तो ये बहुत जल्द होने वाला है। और इमोशंस की जहां तक बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑल लवी डवी एकदम ज्यादा। तो आप तो मतलब जस्ट एक, मुझे लग रहा है इंटरेस्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता ही है कि ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू स्टे, क्योंकि योर रिलेशनशिप इज लाइक कपल गोल्स, एवरीबॉडी इज लुकिंग अप टू योर रिलेशनशिप एंड बहुत मतलब बहुत बहुत प्यार है दिल में एकदम। मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कि इमोशंस इतना स्ट्रांगली दोनों तरफ से, प्योर इमोशंस, प्यार भरा इमोशंस एक दूसरे के साथ, करियर बिल्ड करने वाला, फ्यूचर देखने वाला इमोशंस, ग्रेट कार्ड्स। ये थी आप लोग की रीडिंग, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।